फिक्की प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी जी, सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय जी, भारत के उद्योग जगत के साथी देवी और सज्जनों, हम लोगों ने 2020 के मैच में तेजी के साथ बहुत कुछ बदलते देखा है, लेकिन 2020 के इस साल ने सभी को मात दे दी है। इतने उतार चढ़ाव से देश गुजरा है, पूरी दुनिया गुजरी है कि कुछ वर्षों बाद जब हम कोरोना काल को याद करेंगे तो शायद यकीन ही नहीं आएगा। लेकिन इससे भी सबसे अच्छी बात रही है, जितनी तेजी से हालत बिगड़े उतनी ही तेजी के साथ सुधर भी रहे हैं। फरवरी मार्च में जब पैंडेमिक का ये दौर शुरू हुआ था तो हम एक अननोन दुश्मन से लड़ रहे थे, बहुत सी अनिश्चितताएं थी, प्रोडक्शन हो, लॉजिस्टिक्स हो, इकोनॉमी का रिवाइवल हो, अनगिनत विषय थे। और सवाल यही था कब तक ऐसा चलेगा, हर एक के मन में यही सवाल था कैसे सब ठीक होगा। इन्हीं सवालों, चुनौतियों, चिंताओं उससे दुनिया का हर मानव उसी में फंसा पड़ा था। लेकिन आज दिसंबर आते आते स्थिति बहुत बदली हुई नजर आ रही है। हमारे पास जवाब भी है और रोड मैप भी है। आज जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं, हौसला बढ़ाने वाले हैं। संकट के समय देश ने जो सीखा है उसने भविष्य के संकल्पों को और दृढ़ किया है। और निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत के एंटरप्रेन्योर्स को जाता है, भारत की युवा पीढ़ी को जाता है, भारत के किसानों को जाता है, आप सभी उद्यमियों को, सभी देशवासियों को जाता है। साथियों, हमेशा से ग्लोबल पैंडेमिक के साथ एक इतिहास, एक सबक जुड़ा रहा है। जो देश ऐसी महामारी के समय अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को बचा ले जाता है, उस देश की बाकी सारी व्यवस्थाएं उतनी ही तेजी के साथ रिबाउंड करने की ताकत रखती है। इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया और आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। भारत ने जिस तरह बीते कुछ महीनों में एकजुट होकर काम किया है, नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं, स्थितियों को संभाला है, उसने पूरी दुनिया को चकित करके रख दिया है। बीते 6 वर्षों में दुनिया का जो विश्वास भारत पर बना था वो बीते महीनों में
और मजबूत हुआ है। एफडीआई हो या एफपीआई, विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट भारत में किया है और निरंतर कर रहे हैं। साथियों, आज देश का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लोकल के लिए वोकल होकर काम कर रहा है। ये एक जीवंत उदाहरण है कि देश को अपने प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ्य पर कितना विश्वास है। भारत का प्राइवेट सेक्टर न सिर्फ हमारी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सकता है, लेकिन ग्लोबली भी अपनी पहचान उसको और मजबूती से स्थापित कर सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत में क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने और भारतीय इंडस्ट्री को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने का भी माध्यम है। और 2014 में पहली बार जब लाल किले से मुझे बोलने का मौका मिला था, तब मैंने एक बात कही थी कि हमारा लक्ष्य रहना चाहिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। साथियों, अनुभव रहा है कि पहले के समय की नीतियों ने कई क्षेत्रों में इनएफिशिएंसी को संरक्षण दिया है, नए प्रयोग करने से रोका है, जबकि आत्मनिर्भर भारत अभियान हर क्षेत्र में एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। ऐसे सेक्टर्स जिसमें भारत के पास लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उनमें सनराइज और टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज को नई ऊर्जा देने पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी ये इन्फेंट इंडस्ट्रीज भी भविष्य में और अधिक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बने। इसलिए आपने देखा होगा एक और अहम कदम उठाया गया है, देश में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है। ये स्कीम उन उद्योगों के लिए है जिनमें भारत ग्लोबल चैंपियन बनने की क्षमता रखता है। जो परफॉर्म करेगा, जो एफिशिएंसी से काम करेगा, जो अपने सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, वो इंसेंटिव का भी हकदार होगा। साथियों, जीवन हो या गवर्नेंस, हम एक पैराडॉक्स अक्सर देखते हैं। जो कॉन्फिडेंट होता है वो दूसरों को जगह देने में हिचकिचाता नहीं है, लेकिन जो दुर्बल मन का होता है, इनसिक्योर होता है, वो अपने आसपास के लोगों को भी अवसर देने से डरता है। अक्सर सरकारों को लेकर भी ऐसा ही होता है। जनता जनार्दन के भारी समर्थन और विश्वास से बनी सरकार का अपना ही कॉन्फिडेंस होता है और उतना ही डेडिकेशन भी होता है, और तभी तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस मंत्र को चरितार्थ करने के लिए जी जान से सरकार जुटी रहती है। सरकार जितनी निर्णायक होती है वो दूसरों के लिए अड़चनों को उतना ही कम करती है। एक निर्णायक सरकार की हमेशा कोशिश होती है कि वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। एक निर्णायक और आत्मविश्वास से भरी सरकार,
ये भी नहीं चाहती कि सारा कंट्रोल अपने पास रखे, दूसरों को कुछ करने ही ना दे। पहले के दौर में सरकारों की इस सोच के आप सभी साक्षी भी हैं और देश उसका शिकार भी रहा है। सोच क्या थी? सब कुछ सरकार करेगी। घड़ी बनानी हो तो सरकार बनाती थी, स्कूटर बनाना हो सरकार बनाती थी, टीवी बनाना हो तो सरकार बना रही थी, यहां तक कि ब्रेड और केक भी सरकार ही बनाती थी। हमने देखा है इस अप्रोच ने कितनी दुर्दशा की है। इससे अलग एक दूरदर्शी और निर्णायक सरकार हर स्टेक होल्डर को प्रोत्साहित करती है ताकि वो अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सके। साथियों, पिछले 6 वर्षों में भारत ने भी ऐसी ही सरकार देखी है जो सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के सपनों को समर्पित है, जो हर स्तर पर देशवासियों को आगे लेने के लिए काम कर रही है। भारत में आज हर क्षेत्र में हर स्टेक होल्डर की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। इसी सोच के साथ मैन्युफैक्चरिंग से एमएसएमई तक, एग्रीकल्चर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, टेक इंडस्ट्री से टैक्सेशन तक, रियल एस्टेट से रेगुलेटरी ईजिंग तक चौतरफा रिफॉर्म किए गए हैं। आज भारत में कॉरपोरेट टैक्स दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव है। आज भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जहां फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील की सुविधा है। इंस्पेक्टर राज और टैक्स टेररिज्म के दौर के पीछे छोड़कर भारत अपने देश के उद्यमियों के सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। माइनिंग हो, डिफेंस हो, स्पेस हो, ज्यादातर सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए, भारतीय टैलेंट के लिए, कंपटीशन के लिए आज अवसरों की, एक प्रकार से अनगिनत अवसरों की एक परंपरा खड़ी कर दी है। देश में लॉजिस्टिक को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। साथियों, एक वाइब्रेंट इकोनॉमी में जब एक सेक्टर ग्रो करता है तो उसका सीधा प्रभाव दूसरे सेक्टरों पर भी होता है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक इंडस्ट्री से दूसरे के बीच में बेवजह की दीवारें खड़ी कर दी जाए तो क्या होगा? तब कोई इंडस्ट्री उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगी जितनी की उसमें ताकत है, जिसका तो करना चाहिए। एक इंडस्ट्री किसी तरह ग्रो भी करेगी तो उसका प्रभाव दूसरे सेक्टर पर भी कभी नहीं पड़ेगा। अलग अलग सेक्टर्स में इस दीवार ने देश की अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान किया है, सामान्य मानवी का नुकसान किया है। अब देश में जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो इन दीवारों को हटाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं वो इसी की एक कड़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं।
अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा, इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा। और इन सब का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है, जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है उस किसान का भला होने वाला है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अलग अलग सेक्टर्स में दीवारें नहीं, ज्यादा से ज्यादा ब्रिजेज चाहिए, ताकि वो एक दूसरे का सपोर्ट कर सके। साथियों, बीते वर्षों में इन दीवारों को तोड़ने के लिए कैसे एक प्लान और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ रिफॉर्म किए गए हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देश के करोड़ों लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन अब हम बैंकिंग इंक्लूजन के से मोस्ट इंक्लूसिव देशों में शामिल हो गए हैं। आप भी इस बात के गवाह रहे हैं कि तमाम अवरोधों को दूर करते हुए भारत में किस तरह आधार को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। हमने अनबैंक को बैंकों से जोड़ा, सस्ता मोबाइल डेटा, सस्ते फोन उपलब्ध कराकर गरीब से गरीब को कनेक्ट किया, तब जाकर जनधन खाते, आधार और मोबाइल JAM की ट्रिनिटी देश को प्राप्त हुई। साथियों, आज दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम देश में काम कर रहा है, DBT देश में काम कर रहा है। अभी आपने भी एक इंटरनेशनल जर्नल की वो रिपोर्ट पढ़ी होगी जिसमें भारत में बनाई गई इस व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। कोरोना के समय में जब अनेक देशों को अपने नागरिकों तक सीधे पैसे भेजने में दिक्कत आ रही थी, वो चेक और डाक विभाग पर निर्भर थे, भारत सिर्फ एक क्लिक कर से हजारों करोड़ रुपए कोटि कोटि नागरिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर रहा था पल भर में, वो भी तब जब बैंक बंद थे, देश में लॉकडाउन था। अंतर्राष्ट्रीय जगत के बड़े बड़े जानकार अब ये कह रहे हैं कि भारत के इस मॉडल से दूसरे देशों को भी सीखना चाहिए। ये पढ़कर, ये सुनकर किसे गर्व नहीं होगा। साथियों, एक समय था जब कुछ लोग ये सवाल उठाते थे कि अशिक्षा और गरीबी भरे माहौल में भारत कैसे टेक्नोलॉजी को अपने सामान्य नागरिकों तक पहुंच पाएगा। लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है और बहुत सफलता के साथ करके दिखाया है, दिखाता रहेगा। आज अकेले UPI प्लेटफॉर्म पर ही हर महीने करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है, 4 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, और हर महीने नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज गांव देहांत में भी छोटे छोटे रेहड़ी ठेलों पर भी आज डिजिटल पेमेंट संभव हो रहा है। भारत के उद्योग जगत को
देश की इस ताकत को समझते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, हम जैसा गांव और छोटे शहरों का माहौल टीवी या फिल्मों में देखते हुए बड़े हुए हैं, उससे इनके बारे में एक अलग धारणा बनना स्वाभाविक है। शहरों और गांवों के बीच फिजिकल दूरी कभी उतनी नहीं रही जितनी दूरी पर्सपेक्टिव को लेकर रही है। कुछ लोगों के लिए गांव का मतलब ऐसी जगह रहा है जहां आना जाना मुश्किल हो, जहां बहुत कम सुविधाएं हो, बहुत कम विकास हुआ हो, पिछड़ापन ही पिछड़ापन पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप आज रूरल या सेमी रूरल इलाकों में जाएंगे तो आपको एकदम अलग दृश्य मिलेगा, एक नई आशा, नया विश्वास आपको नजर आएगा। आज का ग्रामीण भारत बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। क्या आप जानते हैं कि रूरल इंडिया में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों से ज्यादा हो चुकी है? क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स हमारे टीयर 2 टीयर 3 शहरों में हैं? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से देश की लगभग 98% बस्तियां सड़कों से जुड़ चुकी हैं। कहने का मतलब ये कि गांव के लोग अब बाजार, स्कूल, अस्पताल और दूसरी सुविधाओं से तेजी से जुड़ रहे हैं। गांव में रहने वालों की आकांक्षा बढ़ रही है, वो सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी चाहते हैं। सरकार अपनी तरफ से इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति करने में जुटी है। अब जैसे हाल में लॉन्च की गई पीएम वाणी योजना, उस पीएम वाणी योजना को ही ले लीजिए। इस योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे गांव गांव में कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार होगा। मेरा तमाम उद्यमियों से आग्रह रहेगा कि इस अवसर का उपयोग करते हुए रूरल और सेमी रूरल क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के प्रयासों में भागीदार बने। ये निश्चित है कि 21वीं सदी के भारत की ग्रोथ को गांव और छोटे शहर ही सपोर्ट करने वाले हैं। इसलिए आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को गांव और छोटे शहरों में इन्वेस्टमेंट का मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट हमारे गांवों में रहने वाले भाई बहनों के लिए, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। साथियों, देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की और उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में भारत में तेजी से काम किए गए हैं। आज भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं कि कृषि क्षेत्र को पहले कैसे हैंडल किया जा रहा था। साथियों, हमारे देश में पहले इथेनॉल तक को प्राथमिकता देकर
इंपोर्ट किया जाता था, जबकि खेतों में गन्ना किसान परेशान रहता था कि उसका गन्ना बिक नहीं रहा या उसके गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपए का बकाया भी समय पर मिलता नहीं था। हमने इस स्थिति को बदला, हमने देश में ही इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दिया। पहले चीनी बनती थी, गुड़ बनता था, कभी चीनी के दाम गिर जाते थे तो किसान को पैसे नहीं मिलते थे, कभी चीनी के दाम बढ़ जाते थे तो कंज्यूमर को तकलीफ होती थी, यानी कोई व्यवस्था ऐसी चल ही नहीं सकती। और दूसरी तरफ हम हमारे कार स्कूटर चलाने के लिए विदेशों से पेट्रोल लाते थे, अब अगर ये काम इथेनॉल भी कर सकता था। अब देश में पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग करने की तरफ बढ़ रहा है। सोचिए इससे कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। इससे गन्ना किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। साथियों, आज जब मैं उद्योग जगत के वरिष्ठ लोगों के बीच हूं तो इस बात को भी खुलकर कहूंगा कि जितना हमारे देश में एग्रीकल्चर पर प्राइवेट सेक्टर द्वारा निवेश किया जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से उतना नहीं हुआ। इस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर द्वारा उतना एक्सप्लोर ही नहीं किया गया। हमारे यहां कोल्ड स्टोरेज की समस्याएं रही है, बिना प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट के सप्लाई चेन बहुत सीमित दायरे में काम करती रही है, फर्टिलाइजर की किल्लत होते आपने भी देखा है, इसका कितना इंपोर्ट भारत करता है आप भी जानते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की ऐसी कितनी ही चुनौतियों के समाधान के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है, लेकिन इसमें आपके इंटरेस्ट और आपके इन्वेस्टमेंट दोनों की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर से जुड़ी कई कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही काफी नहीं है। फसलें उगाने वाले किसानों को, फल सब्जियां उगाने वाले किसानों को जितना आधुनिक टेक्नोलॉजी का, आधुनिक व्यापार और उद्योग के तौर तरीके का जितना सपोर्ट मिलेगा, उनकी जरूरतों को देखते हुए जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमारे देश के किसानों का, फसलों का नुकसान कम होगा, उतनी ही उनकी आय बढ़ेगी। आज ग्रामीण क्षेत्र में एग्रो बेज इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। पहले की नीतियां जो भी रही हो, लेकिन आज की पॉलिसीज ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए बहुत अनुकूल है। नीति से और नियत से सरकार पूरी तरह किसानों का हित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, एग्रीकल्चर के साथ ही सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सोशल सेक्टर हो, इसमें हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करें, इस पर हमें पूरी एनर्जी लगानी है। फिक्की जैसे संगठनों को इसमें ब्रिज भी बनना है और इंस्पिरेशन भी बनना है। एमएसएमईज को सरकार ने ताकत दी है, आप इस ताकत को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लोकल वैल्यू और सप्लाई चेन को कैसे सशक्त करें, ग्लोबल सप्लाई चेन में कैसे भारत की भूमिका व्यापक हो, इस स्पष्ट लक्ष्य के साथ हम सबको मिलकर के काम करना है। भारत के पास मार्केट भी है, मैन पावर भी है और मिशन मोड पर काम करने की कैपेबिलिटी भी है। पैंडेमिक के इस दौर में भी हमने देखा है कि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना भारत का हर कदम
कैसे पूरी दुनिया को लाभ देता है। हमारे फार्मा सेक्टर ने मुश्किल समय में भी ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित नहीं होने दिया। अब जब भारत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आगे बढ़ रहा है तो इससे भारत के करोड़ों जीवन को तो लाभ सुरक्षा कवच मिलेगा ही, दुनिया के अनेक देशों में भी नई उम्मीद जगी है। साथियों, हम लोग एक मंत्र से सब परिचित हैं और वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी हैं। हमारे यहां कहा गया है, तन्मे मनः शिव संकल्पास्तु, यानी मेरा मन उत्तम संकल्पों वाला हो। इसी भाव से हमें आगे बढ़ना है। देश के लक्ष्य, देश के संकल्प, देश की नीतियां स्पष्ट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या पॉलिसी रिफॉर्म को लेकर भारत के इरादे पक्के हैं। महामारी के रूप में जो भी स्प्रिट ब्रेकर आया था, अब हम उसे आगे निकल रहे हैं। हम नए विश्वास के साथ, हम सभी को पहले से अधिक मेहनत करनी है। विश्वास और आत्मविश्वास भरे इस माहौल के साथ ही हमें अब नए दशक में आगे चलना है। वर्ष 2022 में देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा। आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक फिक्की की भी देश की विकास यात्रा में बड़ी भूमिका रही है। फिक्की के भी 100 वर्ष बहुत दूर नहीं है। इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आपको राष्ट्र निर्माण की अपनी भूमिका को और विस्तार देना है और व्यापक बनाना है। आपके प्रयास आत्मनिर्भर भारत के अभियान को और गति देंगे। आपके प्रयास लोकल के लिए वोकल के मंत्र को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। आखिर में मैं डॉक्टर संगीता रेड्डी जी को प्रेसिडेंट के रूप में एक बेहतरीन कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही भाई उदय शंकर जी को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके बीच आने का मौका मिला, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।